सख्त सुरक्षा के बावजूद जामिया इलाके में गोली चली है। पुलिस के सामने पिस्तौल लहराकर युवक ने फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान एक युवक घायल हुआ है। हिरासत में आरोपी जामिया इलाके में सरेआम फायरिंग से कई सवाल उठे हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी आखिर गोली कैसे चली है? तो जामिया इलाके में सरेआम फायरिंग इस युवक की तरफ से, आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। तो खुलेआम फायरिंग करता हुआ ये शख्स यहाँ पर नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ खुलेआम फायरिंग करता हुआ ये शख्स, तो दूसरी तस्वीर में वो घायल युवक जिसको इस शख्स की तरफ से गोली लगी है। संवाददाता अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। फिलहाल ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरे मामले में अमित आपसे। देखिए सर, जो शख्स फायरिंग कर रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जो है मामले की पूछताछ कर रही है। अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई डिटेल नहीं आई है। कुछ देर में हो सकता है कि पुलिस अधिकारी मामले को लेकर सामने आए और ये शख्स आखिर कौन है, क्या मंशा थी इसकी, इस तरह की चीजें जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद सामने निकल के आएंगी। लेकिन जिस तरह से हवा में लहराता हुआ ये शख्स नजर आया, पिस्टल लेके एक शख्स को और गोली लगी, घायल को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, उस तरह से पे पुलिस मामले का संज्ञान और गंभीरता से लिया है। क्योंकि पहले जिस शांति से प्रदर्शन चल रहा था, जिस शांति से सारी चीजें चल रही है, वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त दिखी है। और पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे बढ़ाई गई है, छानबीन जो है वो अभी गिरफ्तारी तो हो चुकी है अमित यहाँ पर, लेकिन कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको इस शख्स के बारे में? क्या नाम है शख्स का, कहाँ का रहने वाला है और आखिर यहाँ क्या मंशा पहुँचने की? देखिए आप अभी तक जो है पुलिस इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, क्योंकि पहली इन्वेस्टिगेशन पुलिस खुद करेगी कि आखिर ये शख्स किस संगठन से जुड़ा है, क्या मंशा थी इसकी। पुलिस उन तथ्यों को खंगालेगी, उसके बाद चीजें सामने निकल के आएंगी कि आखिर ये जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या पुलिस जब मीडिया के सामने आएगी तो शख्स की सारी डिटेल सामने आएगी और क्या मंशा थी इसकी, क्यों ये इस तरह की हरकतें कर रहा था और क्यों इसने पिस्टल लहराई, तो सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। लेकिन अब पुलिस को अंदेशा है, पुलिस यहाँ पे सजग हो गई है कि जिस तरह से एक शख्स ने इस चीज की शुरुआत की है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में और भी इस तरह की घटनाएं हो, उसे लेके पुलिस यहाँ पे सजग हो गई है। जी बिल्कुल, लेकिन अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी कोई जानकारी देने से पुलिस की तरफ से मना यहाँ पर किया गया है, कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है अमित। लेकिन जो तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं इस युवक को हवा में लहराते हुए, ये पिस्टल दिखा रहा है और सबको चेताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्या वजह है इसके पीछे ये तो वक्त यहाँ पर बताएगा, लेकिन साफ तौर पर इन तस्वीरों से ये तो जाहिर हो रहा है कि युवक पर सनक सवार थी। जी बिल्कुल, न सिर्फ सनक सवार थी बल्कि एक भय का माहौल पर कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण था। लोग सोच रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके जो प्रदर्शन चल रहा है उसी तरह की चीजें जो है पिछले कई दिनों से नहीं थी, ऐसा नहीं था। और ऐसे में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल, न सिर्फ बड़े सवाल खड़े करता है बल्कि ये भी है कि अब इस तरह की चीजें और भी कहीं ना हो, उसे लेके पुलिस को एहतियात यहाँ पे बरतनी होगी और पुलिस उसे लेके एहतियात बरत रही है। और यही वजह है कि यहाँ पे पुलिस फोर्स से यानी प्रशासन जो है वो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है और पुलिस फोर्स को यहाँ पे बुलाया गया है, जिससे कि जो मामले की पूछताछ चल रही है वो तो कड़ियां जुड़ेंगी ही, वो कड़ियां निकलेंगी ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज की आगे इस मामले को और तूल ना पकड़े, ये भी कोशिश, इस चीज की भी कोशिश पुलिस कर रही है कि मामले को और तूल ना दिया जाए और इस तरह की और घटनाएं आगे ना बढ़े। बिल्कुल अमित, आपसे जानकारी भी लेना चाहेंगे कि ये युवक अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, कहां से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, कैसे शख्स तक पहुंची पुलिस? क्योंकि उस इलाके में पुलिस मौजूद थी जहां पे ये शख्स पिस्टल लहरा रहा था, जिस तरह इसने गोली चलाई वहां पे, उस जगह पे पुलिस मौजूद नहीं थी, चंद कदमों की दूरी पे थी। हालांकि कई इलाके हैं, हर 200, 300, 500 मीटर की दूरी पे यहां पे पुलिस
केस जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार सुरक्षा पहरा दे रहे थे, और इस तरह की चीज हुई तो चारों तरफ की पुलिस जो लगातार अलग अलग कैंप्स में एक तरह से थी, वो पुलिस इस हमलावर को पकड़ने के लिए दौड़ी। और उसके बाद जब ये इसने शरण लेने की कोशिश की और उससे पहले ही पुलिस ने इसे दबोच लिया, और उसके बाद इसे अब पुलिस यहाँ से ले गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। आगे पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की आखिर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा बनाने के पीछे कौन है, इस क्या इस शख्स की मंशा थी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें अभी भी निकल के सामने आनी बाकी है। बिल्कुल, ये तमाम पहलुओं पर पुलिस की तरफ से पूछताछ जांच जो है वो लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से स्थिति यहाँ पर देखी गई इस फायरिंग के दौरान काफी अफरा तफरी, यहाँ पर एक युवक जो है वो घायल भी हुआ है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पुलिस की, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब इस स्थिति से सबक लेते हुए पुलिस ने और दस्ता बल जो है वो बुलाया है पुलिस का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ संख्या बल से काम नहीं चलेगा, हमें सतर्कता भी यहाँ पर बरतनी बेहद जरूरी। देखिए पिछली बार खासतौर पे जब जामिया इलाके में प्रदर्शन हुआ था, यहाँ तक कि बसों में भी आग लगाई गई थी, और कई ऐसे शख्स निकले थे जिनके हाथ में पिस्टल या तमंचे जैसे हथियारों से लैस थे, और माहौल बनाने की उन्होंने माहौल को गंदा करने खराब करने की कोशिश की थी। और उसके बाद पुलिस ने बाकायदा घरों में जाके इन्वेस्टिगेशन की थी, यहाँ तक कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस पहुंची थी, और यही वजह थी कि एक बड़ा बवाल यहाँ पे देखने को मिला था। खुद जामिया के जो चांसलर थे वो सामने आए कि पुलिस बिना इजाजत कैंपस में कैसे घुस सकती है। तो अब एक बार फिर पुलिस क्या उस तरह के कदम उठाती है, ना कैंपस के अंदर की बात करें बल्कि जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, खासतौर पे पटरी रेहड़ी वाले या जो सड़क पे सोने वाले फुटपाथ पे रहने वाले लोग, क्या उनके बीच में भी ऐसे शख्स पहुंच सकते हैं? तो कई सारे जांच के विषय हैं, तो पुलिस इन जांच के विषयों को आगे बढ़ाएगी और किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ये देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब पुलिस जो है मामले की एक बार फिर जिस पुराने मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पिछली बार के बड़े हादसे की, उससे इसे जोड़ के देखा जा रहा है, और यही वजह है कि एक बार फिर गहन चेकिंग जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।